To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Good morning, students. I am Francis Kumar. I am going to take the class for 9. Lesson number 1. Sale. Our topic is sale war. My dear students, अभी तक जो मैंने चर्चा किया उसमें फर्स्ट चैप्टर लेसन सेल की पढ़ाई हुई थी, जिसमें अभी तक जो पढ़ाई हुई है उसके आगे का टॉपिक है सेल वार। तो आज हम चर्चा करेंगे सेल वार। टॉपिक सेल वार, ध्यान देंगे, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, यानी कि प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, उस प्रकार का कैरेक्टर, इस प्रकार के पास जो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया नहीं जाता है। यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। सेकेंड, इट इज आउटर कवरिंग लेयर ऑफ प्लांट सेल, यानी कि इट इज आउटर कवरिंग लेयर ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल का आउटर कवरिंग लेयर है। यानी कि इतनी सर कोई प्लांट सेल है, मान लो उस प्लांट सेल का द कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, इफ ए प्लांट सेल देन आउटर कवरिंग लेयर इज ए प्लांट सेल दैट इज नोन एज द दैट इज ए सेल वॉल। इट मीन्स द आउटर कवरिंग लेयर ऑफ ए प्लांट सेल दैट इज द प्लांट सेल इज द आउटर कवरिंग लेयर इज ए सेल वॉल। यानी कि द आउटर कवरिंग प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग ऊपर की लेयर होती है वह सेल वॉल से बना होता है। इट मीन्स एनिमल सेल आउटर कवरिंग आपने प्रीवियस क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा है, इसमें क्लियर है कि इट इज आउटर कवरिंग लेयर ऑफ ए एनिमल सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो आउटर सॉरी सेल का जो आउटर कवरिंग लेयर होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। यानी कि इट इज आउटर कवरिंग लेयर ऑफ ए सेल एनिमल सेल दैट इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट यहाँ चेंज है, इज आउटर कवरिंग लेयर ऑफ ए प्लांट सेल इज नोन एज ए सेल वॉल। यानी कि एक से प्लांट सेल का जो ऊपर की परत होती है आउटर कवरिंग लेयर होता है वह सेल वॉल होता है। क्लियर है? यानी कि प्लांट सेल बना, इसका मतलब ये नहीं है, ये भी हम नहीं समझेंगे कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है। यानी कि इट इज आउटर कवरिंग लेयर ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज अ सेल वॉल। यानी कि सेल वॉल जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। एक प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है, यानी कि यह सेल वॉल इज डबल लेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, दो लेयर का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिसमें पहला लेयर ऊपर की ओर होता है और सेकेंड लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन माना गया। ऐसा बहुत सारे बुक कहते हैं कि यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कवरिंग का लेयर होता है प्लांट सेल में, ठीक है ना। तो यह आउटर कवरिंग लेयर प्लांट सेल का होता है, इट प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर यहाँ लिखे, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड पाया जाता है। मीन्स यानी कि इट प्रेजेंट इन द आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ऊपर का परत होता है वो सेल वॉल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इट मेनली कंपोज बाय सेलुलोज, यानी कि यह सेलुलोज से बना होता है। यानी कि तीन ही सेलुलोज माना गया, सेलुलोज की एक छोटी सी यूनिट जो सबसे छोटी यूनिट होती है उससे इसका निर्माण होता है। यानी कि सेल वॉल कंपोज बाय द सेलुलोज, ये सेलुलोज के फाइबर से रंग के है, तो सेलुलोज फाइबर से बना होता है, इसको हम फाइब्रोमिल्स भी कहते हैं। जो सबसे छोटी सी यूनिट होती है सेलुलोज की, तीन ही पार्टिकल्स सेलुलोज के लिए बना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सेलुलोज प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट, यानी कि सेलुलोज जो होता है वह स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट, प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है किसी प्लांट सेल को। क्योंकि आप अब इसको हम सेल वॉल को आप पहचान सकते हैं, प्लांट को देखिए तो प्लांट के ऊपर देखिएगा एक ड्राई कलर का रूखा ग्रे कलर का स्ट्रक्चर दिखता है, उसको हम हाथ से छूते हैं तो हमारे हाथ पे लग जाता है। उसकी सबसे ऊपरी परत सूखा हो, नॉन लिविंग सेल, सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग कैरेक्टर, उसमें आप जोड़ सकते हैं इट इज नॉन लिविंग
कैरेक्टर, यानी कि या एक नॉन लिविंग कैरेक्टर होता है। सिंपिया जो ऊपर देखेगा तो बिल्कुल डाई सूखा कलर का होगा, एक नॉन लिविंग होता है, यानी कि इट इज नॉन लिविंग कैरेक्टर या एक नॉन लिविंग कैरेक्टर, ठीक है ना। उसके भीतर जो प्लांट है वो लिविंग कैरेक्टर होता है। तो टैलोज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट, इसके कारण ये प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, मजबूती प्रदान करता है, जिससे वो बाहरी आवरण से, बाहरी किसी बाहरी ओर से, आउटर लेयर को आउटसाइड से स्ट्रेंथ प्रदान सके, यानी कि उसको रेसिस्टेंस पावर प्लांट को प्रदान कर सके, जो कि बाहरी आवरण से, बाहरी एटमोस्फेयर से, कंटेंट से वो आसानी से कर सके, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट है, इट परमिट्स द प्लांट सेल टू डिटेक्ट डर्जिंग, यानी कि ये प्लांट से इनपुट टर्जिडिटी स्ट्रेंथ, यानी कि ऑस्मोसिस के माध्यम से ये टर्जिडिटी प्रदान करता है कि कोई पदार्थ भीतर चल नहीं चले जाए, उससे ये रेसिस्टेंस पावर, यानी कि इस सब पदार्थ को परमिट और इंटर करने में मदद भी करता है और उससे रोकता भी है कि जो है वो नहीं जा सके, टर्जिडिटी यानी कि रेसिस्टेंस पावर प्रदान करता है। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ सेल, ठीक है। अब इसी में सेल वॉल अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस तो द एक्टिंग प्लाज्मोलाइसिस, सेल वॉल ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा प्लाज्मोलाइसिस की प्रोसेस करता है। तो ये प्लाज्मोलाइसिस क्या है, व्हेन अ लिविंग प्लांट लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज सिंकिंग और कंट्रैक्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल फॉर प्लाज्मोलाइसिस। अब प्रोटोप्लाज्म आपने पढ़ा है कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है हर लिविंग कंटेंट्स में होता है, यानी कि सेल वॉल एक लिविंग कैरेक्टर नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो उसका सेकेंड लेयर है वो प्रोटोप्लाज्म कंटेंट्स डबल लेयर के होते हैं, जिसके बीच में इनकी प्रोटोप्लाज्म आता है, यानी कि एक लिविंग सेल का दूसरा नाम प्रोटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो यानी कि जब एक लिविंग प्लांट में वाटर लूज करता है ऑस्मोसिस के माध्यम से, और तो देयर श्रिंक जिससे उसका सेल सिकुड़ता है, श्रिंक होता है, और कंट्रैक्शन यानी कि कंट्रैक्शन ही क्रिया करता है ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में अवे फ्रॉम द सेल, सेल वॉल की वे उस प्रक्रिया को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, यानी कि दैट इज द कैरेक्टर ऑफ सेल वॉल। आज के टॉपिक में सेल वॉल की चर्चा मैंने किया, इसमें प्लाज्मोलाइसिस आता है, और इसके बाद का जो टॉपिक है उसमें न्यूक्लियस की चर्चा हम करेंगे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस। सो योर होमवर्क डू फेयर एंड नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा अगले क्लास में। थैंक यू।